मैंने आपको कहा था कि आप बाइक ऊपर रहें, आपको लेवल दिया था 47,300 से लेके 47,145 का, कहा था कि दोनों अच्छे हैडल्स हैं और यहाँ से इंडेक्स सपोर्ट लेकर रिबाउंड होता है, आपको बाय करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाल मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फिजोमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब आज की डेट है 9 अगस्त, डे है वेनसडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले कल थर्सडे के लिए 10 अगस्त के लिए। शुरू करते हैं KAC 100 इंडेक्स की समरी से। इंडेक्स ने आज अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 48,227 के ऊपर की है, और कल का जो ड्रामेटिकल डिक्लाइन हुआ था आज उसके बिल्कुल अपोजिट जनाब KAC 100 इंडेक्स ने मूव दिखाया है। 797 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए हैं। परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो जनाब 1.68% पॉजिटिव लगता है, और वॉल्यूम की बात करें 183.27 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि कल की नस्बत लोअर हैं। इंडेक्स ने आज जो अपनी ओपनिंग दी थी 47,429 के पास से दी है, अपना जो हाई पोस्ट किया है 48,334 का किया है, अपना जो लो पोस्ट किया है 47,262 का किया है। कंपनीज़ की बात करें 69 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 22 रही हैं, अनचेंज 9 कंपनीज़ रही हैं, मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड जो पोजीशन रही है वो बाइंग के ऊपर रही है। टॉप 1 कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब आज का नंबर 1 पे होप पावर है, जिसने 131 पॉइंट ऐड किए हैं। OGDC ने जनाब 118 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद जनाब PPL ने 78 पॉइंट ऐड किए हैं, और डाउन ने जनाब 74 पॉइंट्स ऐड किए हैं। UBL ने 67 पॉइंट ऐड किए हैं, मतलब कल के ज़ीरो आज के हीरोज़ हुए हैं। अगर हम बात करें डिक्लाइनर की जनाब टॉप के ऊपर, मारी पेट्रोलियम है जिसने 58 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। PSEL ने जनाब 13 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद जनाब RMPL ने जनाब 9 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। EFERT ने 6 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। SERL ने जनाब 6 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। पे OGDC है जनाब, जिसने 104.35 रुपीज़ के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 6.64%। सेकेंड नंबर पे PPL है जनाब, जिसने 73.84 रुपीज़ के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 5.91%। उसके बाद नंबर है JSBL का, जिसने 5.35 रुपीज़ के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, निगेटिव रहा है 2.55%। उसके बाद सीनर्जी है, जिसने 3.60 रुपीज़ के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और पॉजिटिव रहा है 3.75%। उसके बाद नंबर है MLCF का, जिसने 31.80 रुपीज़ के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 3.65%। अच्छा नंबर बात करते हैं आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की, तो जिस कंपनी का फर्स्ट रिजल्ट आया है वो है CSAP, जिसकी EPS आई है 2.28 रुपीज़। सेकेंड नंबर पर जनाब LPL है, जिसकी EPS आई है 3.09 रुपीज़ की, और आपको बहुत अच्छा डिविडेंड भी दिया है, 15 रुपीज़ का पर शेयर डिविडेंड दिया है, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। उसके बाद नंबर है जनाब वेल का, जिसकी EPS आई है 23 पैसा, और उसके बाद नंबर है वेव्स का, जिसकी EPS आई है 24 पैसा। उसके बाद नंबर है मारी पेट्रोलियम का, जिसने 58 रुपीज़ का आपको डिविडेंड दिया है और EPS आई है 420 रुपीज़। कल के लिए बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की 10 अगस्त की, तो नंबर 1 पे हमारे पास जो बैंक है सिल्क बैंक, जिसकी इस्लामाबाद के अंदर मीटिंग है जनाब, और मीटिंग एजेंडा अदर देन फाइनेंशियल रिज़ल्ट है। और सेकेंड नंबर पर जनाब BOK की मीटिंग है पेशावर के अंदर, और वेरियस आइटम्स रिक्वायरिंग पर व्यू ऑफ द बोर्ड है। और उसके बाद जनाब OML की मीटिंग है कराची के अंदर, और एजेंडा जो है जनाब रूटीन मैटर्स है। और उसके बाद नंबर है MEBL इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर मीटिंग है जनाब, क्वार्टरली अकाउंट्स एजेंडा है। BFL की मीटिंग है जनाब अबू धाबी के अंदर, और मीटिंग एजेंडा क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद PTL की भी मीटिंग है जनाब पेंथर टायर की लाहौर के अंदर, एनुअल अकाउंट्स एजेंडा है। GSBL की मीटिंग है जनाब कराची के अंदर, अलॉटमेंट ऑफ 17% राइट शेयर की जो है मीटिंग है। उसके बाद CPB की मीटिंग है कराची के अंदर, एनुअल फॉर जून 30, 2023 की।
आज की इनसाइडर ट्रांजेक्शन की। फर्स्ट ट्रांजेक्शन CFL के अंदर गिफ्ट आउट है, उसके बाद HICL के अंदर ट्रांजेक्शन हुई है वो कल की है 8 अगस्त की, और उसके बाद 9 अगस्त की आज की डेट के अंदर HBL के अंदर है। HBL के अंदर मल्टीपल ट्रांजेक्शन है कल की तरह, आज भी जनाब कंटिन्यू आगा खान फंड इसके अंदर बाइंग कर रहा है, और क्वांटिटी आप दे सकते हैं कहीं 1513 है, कहीं 1000 राउंड अबाउट है, कहीं 2500 है, कहीं 59,095 शेयर्स की भी बाइंग हुई है, मतलब मल्टीपल ट्रांजेक्शन है लेकिन सारी की सारी ट्रांजेक्शन बाइंग के ऊपर है। HBL जनाब काफ़ी अच्छा खासा मूव करता हुआ लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसको अक्यूमुलेट किया जा रहा है और आगा खान फंड इसको कंटिन्यू बाई करता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप भी जनाब HBL के अंदर बिल्कुल बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, इसके अंदर फर्दर गेन एक्सपेक्टेड है क्योंकि आपके सामने पोजीशन है, आप खुद देखें कि इनसाइडर जो है कितनी अच्छी खासी इसके अंदर कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं, और मैं आपके साथ डेली शेयर करता हूं, तो आज आप खुद देख सकते हैं कि 9 अगस्त के अंदर भी काफ़ी अच्छी खासी बाइंग इसके अंदर नज़र आ रही है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन शो हो रही हैं। ठीक है जनाब, तो ये थी आज की इनसाइडर ट्रांजेक्शंस। अब KAC 100 के टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं, तो पीसेस का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है, आज क्लोजिंग हुई है जनाब, तो उस पैटर्न की बात करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न जो बना है जनाब आज बुलिश पियर्सिंग पैटर्न बना है, बुलिश पियर्सिंग पैटर्न फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रहा है, और अब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है जनाब वो 48,632 की है, और जो मेजर रेजिस्टेंस है ना वो 48,981 की है। अगर हम बात करें सपोर्ट की, 47,980 की फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 47,508 की है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम के अंदर ग्रेजुअली डिक्लाइन नज़र आया है हमें आज, और RSI 70 पे स्टैंड है, कल RSI 65 थी आज 70 है, मतलब इम्प्रूव हुई है RSI अगेन, और अगेन जो है वो ओवरबॉट के अंदर जाने वाली है, लेकिन अभी काफ़ी स्पेस है क्योंकि 85 से डिक्लाइन हुई थी 65 तक, अब अगेन आज 70 पे गई है, कल फर्दर चेक करेंगे, लेकिन अभी खासा रूम है RSI के पास स्टैंड होने के लिए, फर्दर इंक्रीज होने के लिए। तो जनाब कैंडलस्टिक पैटर्न और RSI और चार्ट फॉर्मेशन फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रही है, तो कल भी जनाब आपको जो स्ट्रेटजी फॉलो करनी है बाइक ऊपर रहनी है, आपके पास कल के लिए जो स्टॉप होना चाहिए 48,145 का होना चाहिए, अगर 48,145 के बिलो अवर्ली बेसिस के ऊपर ट्रेड करें तो बाई नहीं करनी है, अदरवाइज आपको बाइक ऊपर ही रहना है। ठीक है ना, तो यह था KAC 100 का छोटा सा रिव्यू। अब बात करते हैं आज के टॉप वॉल्यूम स्टॉक में से PPL और GTC की। अच्छा ना, पाकिस्तान पेट्रोलियम PPL का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है, PPL ने आज अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 73.84 रुपीज़ के ऊपर की है, और यहाँ पे जो चार्ट पे पैटर्न बना है बुलिश पियर्सिंग पैटर्न बना है, यहाँ पर भी बुलिश एंगलफिंग नहीं है, बुलिश पियर्सिंग है। अच्छा ना, अब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 78.89 रुपीज़ की है, और जो सपोर्ट है जनाब PPL के पास वो बनती है 71.80 रुपीज़ की। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट है, RSI 57 के ऊपर है, मतलब RSI के पास काफ़ी रूम है, 50 से अबव RSI एक न्यूट्रल RSI अच्छी RSI है, तो ओवरऑल तो ना PPL के अंदर आप बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, और PPL जो है काफ़ी अच्छे ट्रेंड के अंदर है, पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर है, इसके पास जो मेजर रेजिस्टेंस बनता है जो कि चैनल का टॉप है जनाब, तो जना वो लेवल बनता है तकरीबन 85 रुपीज़ का, 85.98 रुपीज़, मतलब 85 से लेके 86 की प्राइस को ये टेस्ट कर सकता है आने वाले दिनों के अंदर, अच्छी पोजीशन के अंदर है, बेशक डिप के ऊपर इसकी तरफ बाइंग करें। अच्छा ना, अगर आप हमारा ट्रेड लाइक चैंपियंस प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसकी बड़ी नॉमिनल फ़ीस है मंथली 1500 PKRC की फ़ीस है, जिसके अंदर डेली बेसिस के ऊपर आपको मार्केट की अपडेट और स्टॉक्स की अपडेट दी जाती है, बाय कॉल्स एंड सेल कॉल्स दी जाती हैं, और अवर्ली बेसिस के ऊपर इंडेक्स की अपडेट दी जाएगी, और अगर आपके भी कोई स्टॉक होंगे फेवरेट तो उनके भी बाय सिग्नल और सेल सिग्नल दिए जाएंगे। तो ये हमारा जनाब बहुत छोटा सा प्रीमियम ग्रुप है, अगर कोई इसको ज्वाइन करना चाहता है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, जो कि मेरा नंबर है यहाँ पर लिखा हुआ है 0331-3544-652, यहाँ पर आप मुझे जो है व्हाट्सअप करके इसकी अपडेट ले सकते हैं। अच्छा है ना, अब बात करते हैं ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी OGDC की, तो OGDC का डेली चार्ट आपके सामने है, चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि कैंडलस्टिक पैटर्न आपके सामने सकूं। तो इन कैंडलस्टिक पैटर्न जो बनाए OGDC के अंदर बुलिश एंगलफिंग पैटर्न बनाए जो कि फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। तो जनाब OGDC के पास जो अब रेजिस्टेंस बनती है फर्स्ट वो बनती है 111.50 रुपीज़ की, जो कि इसका प्रीवियस हाई है, लेकिन उससे पहले इसके पास एक रेजिस्टेंस है जनाब 109.80 रुपीज़ की अराउंड है, अगर उसको सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, तो देखते हैं कि कल क्या होता है।
लेकिन फिलहाल जो पोजीशन है रीबाउंड को फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रही है। वॉल्यूम के अंदर भी इंक्रीमेंट आया है आज, तकरीबन मैं कहूँ कि तकरीबन जनाब काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद इसके अंदर वॉल्यूम लगा है, तो ये बात गलत ना होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन जुलाई का तो कम से कम एटलीस्ट हाईएस्ट वॉल्यूम आज इसके अंदर जनरेट हुआ है, सॉरी अगस्त का जो करंट मंथ का जो है हाईएस्ट वॉल्यूम आज इंट्राडे बेसिस के ऊपर जनरेट हुआ है। अगर हम बात करें इसकी आरएसआई की, तो इसकी आरएसआई 67 के ऊपर है, अच्छी आरएसआई है। मतलब पीपीएल के ऊपर आप ओजीडीसी को तरजीह दे सकते हैं, ओजीडीसी की पोजीशन ज़्यादा बेहतर है पीपीएल से। तो जनाब मेरे हिसाब से ओजीडीसी जो है अपने इस लेवल को टेस्ट कर सकता है जो कि 111 का, लेकिन सस्टेन करता है या नहीं करता है ये हम बाद में देखेंगे। अगर सस्टेन कर गया तो उसके बाद ये न्यू बोलिश के अंदर चैनल के अंदर एंटर्ड होगा, जहाँ पे इसके पास जो हाई बन सकता है 125 का ही बन सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो ये रीजन है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है जो कि 111 का है। ठीक है ना, तो ये था KAC 100 का और दो स्टॉक आपके साथ डिस्कस किए हैं, PPL और OGDC। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।